2023 की है ये बात है कि हाल ही में दिल्ली नोएडा में कई बार भूकंप की झटके जो है देखने को मिला। इसका मतलब ये अगर 14 घंटा आता है, लास्ट टाइम 14 घंटा पे बहुत भूकंप हुआ था, अभी 14 घंटा आता है होगा, तो मतलब ये तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषित किया गया है कि दिल्ली जो है अर्थक्वेक के मामले में रेड जोन में है। और लास्ट क्या है? लास्ट है कि बहुत गुप्त रोग, नूतन रोग, अच्छा महामारी, महामारी, अच्छा डिजीज जो है वो वो आएगा। मतलब आप देखिए कोरोना आके चला गया, नहीं लास्ट, अच्छा 64 योगिनी का 64 टाइप का रोग आएगा जो मालिका में लिखा गया है कि 64 योगिनी, yes. मतलब ये 64 महामारी हैं, yes. और योगिनी जो है महामारी के रूप से आएंगे। आया जी, और रोग कैसे होगा? एक क्या उड़िया में लिखा है घुमा रोग, उसका मतलब क्या है? हम बैठे बैठे जो जब देता है, आपने बैठे बात करते होंगे सडनली गिर जाएगा, गिर जाएगा, समय नहीं, थोड़ा वो तो नहीं जाएगा जी, ऐसा करके घूम गिर जाएगा जी जी जी, खत्म, समय नहीं मिलेगा, मतलब मेडिकल लड़ेगा, टाइम नहीं है। एक जो भक्त है, मैंने उनके साथ जब बात किया, वो बोले कि बस 3 मिनट के अंदर आदमी के जान जो है जा सकता है ना, वही तो 3 मिनट 180 सेकंड। अब आप देखे होंगे बहुत से इंसिडेंट देखे होंगे कि कोई डांस करता है सडनली मर जाता है, गिर जाता है, होता है सर, होता है सर कई बार। मतलब आजकल जो यंग जवान जो नौजवान है तो उन्हीं के उन्हीं से ये सब देखने को मिलता है हमें, इसलिए तो बोला है ना, वो एक्सरसाइज करते हैं, कई बार वो ऑफिस जाते हैं, कई बार लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं, वो जो इसलिए है पंच साल लिखा है कि वृद्ध लोग रहेंगे, जवान लोग चले जाएंगे। सही बात, उल्टा हो रहा है सर, उल्टा होगा। मतलब मालिका में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो प्रकृति के जो विपरीत है, जो हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिला है, और ये समय पहुंच गया है कि वो सब हमें देखने के लिए मिलेगा, प्रकृति के विपरीत सब कुछ होगा। अच्छा, जो मतलब अभी जो महामारी की आप बात कर रहे हैं, तो कोरोना जैसे महामारी आएगा या फिर उससे बहुत बड़ा आएगा, पावरफुल, बहुत पावरफुल आएगा उससे। अभी जो महामारी आ रहा है 2024 में, वो है डिजीज एक्स। डिजीज एक्स जो है वो कोरोना से लगभग 20 गुना ज़्यादा पावरफुल है, डेंजरस है, और उसमें विश्व के तमाम मतलब जितने भी जनसंख्या है लगभग 5 करोड़ लोगों की डायरेक्ट मौत हो सकता है। नहीं देखिए, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 वेराइटी का डिजीज के प्रिडिक्शन दिया है, 7 वेराइटीज ऑफ डिजीज आर कमिंग, उसमें से एक्स इज मोर डेंजरस वो बोला है। सेकेंड थिंग हुआ क्या, साइंटिस्ट लोग को मिला है एक चीज कि उत्तर मेरु में नीचे उसका बर्फ के नीचे जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, उसमें जैसे ऐसा भूताणु कीटाणु है जिसको पहचानते नहीं, जब बर्फ का लेयर खत्म हो जाएगा वो सब मिल जाएंगे आगे समुद्र में, एंड दे विल बी सच डिजीजेस, इसके लिए कोई औषध नहीं, कुछ नहीं है, राइट। तो वो 64 वेराइटी का वो आ रहा है, दैट इज मोर डेंजरस दैन दिस थिंग। ये क्या कि दिन में करोड़ लोग मरेंगे उसके लिए, वो एक एक दिन में, यस, नेमालिका में लिखा हुआ है, सब पंचसखा में लिखा है कि आज हम आपको कंधे में उठा के जा रहे हैं शमशान को, कल हमको कोई उठा के लेगा, कंधे में उठा के लेकर जा रहा है, ऐसा टाइम आएगा कोई नहीं रहेगा किसको उठाने के लिए। जैसा बोल रहे हैं, अगर लाखों की तादाद में लोग मरेंगे, नेचुरली करोड़ों की तादाद में अगर लोग मरेंगे तो फिर कोई नहीं होगा, ये बारीक लिखा हुआ है, सब सब पंचसखा लिखा है, सब संत में लिखे हैं, तो दैट विल कम, डिजिट आएगा जो। ये एक्चुअली जैसे भविष्यवाणी का में जो लिखा गया है उसी पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। इसमें ये लिखा गया कि सन 1999 1999 से लेकर 28 साल यानी 2027 तक, 2027 के बीच में, 1999 से लेकर 2027 के बीच में छोटे और बड़े लगभग 72 युद्ध होंगे, 72 वार, यस, 73 वार्स होंगे, तो इनमें से कई सारे वार हो भी चुके हैं लगभग, कई बार कुछ, और इंक्लूडिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसमें थर्ड वर्ल्ड के पहले,
अच्छा वर्ल्ड वॉर होने से पहले। अब देखिए अभी अभी तो शायद 10-15 जगह में युद्ध चलता है। हाँ हाँ हाँ, छोटे बड़े युद्ध तो होते रहते हो रहा है। युद्ध मतलब नहीं कि देश देश में अंदर युद्ध हो रहा है, देश के अंदर भी युद्ध होता है ना, तो ऐसा चलता है, ऐसा ही होगा। अच्छा यहाँ पे आपने जो लिखे हैं, आपके जो किताब ये प्रमाण देता है कि 192 नंबर का जो पन्ना है ये प्रमाण दे रहा है। पहले मैं उड़िया में बोल देता हूँ, इसके बाद हिंदी में उसका हम भाषांतर करेंगे। संत सूरदास तंक मतरे 2000 मसीहा परे पृथ्वी उपरे एपरि एक जोग पड़िबो जहाँ उदाहरण पूर्व दिगला जहाँद्वारा कि पृथ्वीर चतुर्कोण विपद माड़ आसब और दुष्ट मानक भितर प्रबल युद्ध हणाकटा हो से अंत घटे। 2001-2023 पर्यंत बहुत खराब ग्रह जोग पड़ब आकि पृथ्वीपाई तृतीय विश्वयुद्ध आनीदेव। इसका मतलब यह है कि संत सूरदास उनके जो भविष्यवाणी ये बोल रहा है कि 2000 से आगे पृथ्वी में ऐसा भी योग आएगा जैसे कि पृथ्वी के हर कोने से विपत्ति जो है वो आ जाएगा, दुष्टों के विनाश होगा और युद्ध जो है अपना चरम सीमा में पहुंचेगा। और ये भी लिखा है कि 2001 से लेकर 2023 तक खराब ग्रह जोग, मतलब जो ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब रहेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल एंगल है, ज्योतिष शास्त्र जो हमें ये बोला है कि 2001 से लेकर 2023 तक ऐसा योग आएगा जिसके कारण तीसरे विश्व युद्ध का ये आरंभ हो जाएगा 2023 से। सीधा सीधा प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है, तो पन्ना नंबर 192, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए ये सीधा सीधा यहाँ पे ये प्रमाण दे रहा है कि 2023 नहीं, 23 ही सूरदास का नहीं है। हाँ मैं मेरा कैलकुलेशन था 2002 में मैं कैलकुलेट किया था। 2000 जिस कोई भी एस्ट्रो से पूछ लीजिए, 2001 से लेकर ऐसा ऐसा जोग आया है पृथ्वी के लिए, बहुत एक एक जोग बार ला सकता है, इतने जोग चला गए शायद टाइम नहीं हुआ इसलिए चालू नहीं हुआ, लेकिन 23 तक रहेगा जोग और 23 में युद्ध चालू होगा। जो जो 23 में पड़ा है अभी दैट विल ब्रिंग टू वार डेफिनेटली। अच्छा दैट अभी जो 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 आटो सब बोलते हैं कैलकुलेशन करके होगा होगा बोल के, वही हुआ अभी, दैट टाइम कैलकुलेटेड इन 2002। अच्छा तो आपका ये पुस्तक ये भी प्रमाण दे रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने ये भी लिखे हैं कि ये जो युद्ध चलेगा ये कोई एक दो महीने तक नहीं चलेगा, ये 9 साल 9 महीने तक चलेगा। हाँ क्या इससे टाइम में 3 टाइप का टाइम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 6 साल 6 महीना, एक तो एक दिया हुआ है 7 साल और ये 9 साल 9 महीना। 9 साल 9 महीना एक्चुअली में कौन सा सही है फिर? उसमें क्या है, सुनिए, यूटेक अजरबैजान एंड इसकी जो जो एवार हुआ था उसको हिसाब लीजिए, अटैच तो कितना साल हुआ, कहाँ से अजरबैजान का जो वार हुआ था, हाँ तो ऑलरेडी 3 साल चला गया, हो गया 19 में हुआ था, 19 में हुआ था, तो 19 में अगर लें तो फिर 2028 का बैठ रहा है 9 साल 9 महीना 1928 तो सही है। संत मतलब संत अच्युतानंद दास की जो भविष्यवाणी सब वही मिल जाता है, सही बात है। तो लगभग मतलब ये है कि आपका जो कैलकुलेशन ये कह रहा है कि मतलब 6 साल 6 महीना जो है ये चरम सीमा में पहुंचेगा। दैट इज 6 साल 6 महीना तो 7 साल ही परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। हाँ युद्ध जो है अपने चरम सीमा में पहुंच गया होगा और वहां से जो है वर्ल्ड वॉर से 2028 हाँ में वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। 2022 से लेकर 2028 तक, 2028 में खत्म होगा, 22 में चालू हुआ, 28 में खत्म होगा। एक चीज में जानना चाहूंगा आपसे, ये है कि भारत फंसेगा क्या इस बीच में? भारत फंसेगा क्या? इंडिया विल बी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वॉर। इंडिया विल बी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यस। जब सब जगह में खत्म हो जाएगा इंडिया का पर सबका नजर आएगा। मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ सोच रहा हूँ। नहीं बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम क्या है? जीन डिक्सन बोल के लेडी एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता अमेरिका का, वो 1982 में भविष्यवाणी किए थे, इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स।
इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, भारत जो है 8 खंड से विभाजित होगा एंड रूल्ड फॉर 6 इयर्स। उसका मतलब भारत 6 साल के दखल में रहेगा और विदेशियों के डिवाइडेड हो जाएगा 8 कंट्री, उसको डिवाइड कर 8 भागों में भारत विभाजित होगा और 6 साल तक गुलाम रहेगा। मेरा वो पढ़ने के बाद आई वॉज नॉट बिलीविंग, इसे नहीं हो सकता, इट नॉट पॉसिबल। वही साल में 82 में संत भीमोई का ग्रंथावली, उसका जो सब जितना राज रचना लिखा है जो रचनावली बहुत मोटा किताब है, मोटा ग्रंथ है वो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं लाया हूँ कि एक बोले थे कोई लाने के लिए उसके लिए। ये थैले में सब कुछ है क्या आपके, मतलब तो आप पहली बार देख रहे हैं कैमरा के सामने पिताजी के पास एक था वो खत्म खराब हो गया किताब, इसलिए मैं नया किताब खरीदा 82 में, उसमें वो लिखा है सेम थिंग। क्या लिखा है? अष्टखंड हो भारत, भारत इंडिया डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, एक्जेक्टली 8। संत भीम भोई जो है, अच्छा एक बात बताइए, जो आप बोल रहे हैं कि एक जो भविष्यवक्ता के अपने नाम लिए, कहाँ के थे वो? अमेरिका, अमेरिका, जीन डिक्सन उसका लेडी है वो। अच्छा वो लेडी जो भविष्यवक्ता है उनका बात भी वही है, संत भीम भोई के बाद भी वही अटक रहा है, फिर आपको ये मतलब यकीन करने में दिक्कत क्या है? दोनों का मिल गया ना, मिल गया, एक अमेरिका में एक उड़ीसा में, हाँ दोनों का बात मिल गया, मिल गया, तो मेरा विश्वास थोड़ा चालू हो जाएगा। तब जाके आपका ये डाउट था वो यकीन में ना, इसमें कुछ है दम है। अच्छा उसके बाद मेरा विश्वास आ गया, नहीं अमेरिका में कुछ है। देन आई स्टार्टेड जो किताब था कुछ पिताजी का, हाँ पुराना किताब था, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं इधर। ये लगभग ये कब की आज क्या बात है, ये पहली बार देखिए, ये किताब है, ये किताब है 1960 का, पुराने जो दस्तावेज का पहले का, जहाँ से इसका दाम है 50 पैसा। हाँ देखिए जिस किताब को पहली बार हम जो है कैमरा के सामने आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इतना मोटा ही किताब है, इतना मोटा ही किताब है, और एक किताब का नाम है भीम भोई ग्रंथावली। अपने जितने भी सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सबको इकट्ठा करके इसी ग्रंथ में स्थान दिया गया है, तो यही ग्रंथ वो प्रमाण देता है कि भारत जो है 8 खंड में भारत विभाजित होगा और आगे चल के 6 साल तक गुलाम भी होगा जी।